नमस्कार, मैं अजय। धन्यवाद गुरुकुल ऑफ पॉलिटिकल चैनल का, और धन्यवाद भाई साहब देवेंद्र कुमार जी का, और धन्यवाद उन सर का भी जो उनके साथ में त्यागी जी बैठते हैं, और धन्यवाद दैनिक ट्रिब्यून का भी जो इंग्लिश की प्राप्ति प्रतियां निकलती हैं हिंदी भी हिंदी। बोलना। नहीं सर, वही बात है सर, हिंदी के अखबारों भी आज के सोशल में लोगों का विश्वास उठता जा रहा, लेकिन इंग्लिश के अंदर थोड़ी बातें बची हुई हैं। लेकिन सर, जो आज हम बात करने जा रहे हैं, मुद्दा देखे तो कुछ भी नहीं है, बात देखे तो कुछ भी नहीं है सर। यानी वो बात है कि ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है कि ये चाहे आप बड़ाई कर लो, चाहे आप इसको किसी प्रकार की और बात में ले लो, क्योंकि दोनों पहलू हैं साहब इस बात के। सर ये कहते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर सौभाग्य ये है कि 70% लोग आबादी के, हाँ 70% लोग आबादी के बीपीएल के सारे गेहूं तेल चीनी के आश्रित सर। बिल्कुल, सर इसको सर सरकार अपनी उपलब्धि मान ले और चाहे इसकी विफलता मान ले सर। तो मेरे साथ में दैनिक ट्रिब्यून की चीफ ब्यूरो अजय मल्होत्रा जी, क्योंकि हम काफी बार बैठते काफी बार उठते हैं तो बातें समझ में आती हैं जी, तो इनसे बढ़िया मेरे को समझा कौन पाएगा। अंग्रेजी अखबार पढ़ता नहीं हूँ सर मैं, अंग्रेजी मेरे को आती नहीं है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपा है वो बोल रहा है सर, फ्रंट पेज पे। हाँ सर मैं ट्रिब्यून हिंदी अखबार नहीं हिंदी लेता सर। में सर हिंदी में भी छपा है नमस्ते, नमस्ते कैसे नमस्ते, सर? बहुत बढ़िया। सर सर इस बात की मैं बधाई दूं सरकार को या सर विफलता की चिंता करें सर? देखो, वैसे तो बड़ी हैरानी की बात है, हरियाणा जिसको कहते थे हरियाणा दूध दही का खाना, और देशा में देश हरियाणा दूध दही का खाना, और ये भी कहा जाता था कि हरियाणा दूसरों से कहीं आगे है, नंबर 1 पे है आज विकास के मामले में, कई मामलों में बड़ी बातें होती हरियाणा हैं। अपने आप में सक्षम है। हाँ, हरियाणा के जो गांव है उनकी स्थिति भी देखते हैं तो ऐसे लगता है कि जो पिछड़ा स्थिति नहीं है, परंतु जो आज जो आंकड़े आए हैं इन्होंने सब कुछ हिला के रख दिया। इन आंकड़ों में उन्होंने ये बताया कि हरियाणा की आबादी 2 करोड़ 2 करोड़ 80 लाख 80 लाख है, जिसमें से 1 करोड़ 99 लाख आपके बीपीएल बीपीएल देश है, जबकि बीपीएल जो स्टेट तरक्की कर रही है या नेशनल डाटा देखते हैं तो उस हिसाब से तो 25-30% से ऊपर होना ही नहीं चाहिए। या तो इसको सरकार ने इलेक्शन में वोटों के लिए डाटा बढ़ाया ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रेवड़ियां दी जाएं। आप ये और देखो, उसका लाभ दो सालों के सर अंदर, उसका लाभ मिले पर अभी 2 सालों में जहां हम कहते हैं कि लोगों के जीवन स्तर में उत्थान हुआ है, परंतु यहाँ तो 75 लाख और जुड़ गए बीपीएल में, 1 करोड़ 24 लाख थे 2022 में, आज आपके खाते में आ रहे हैं 1 करोड़ 99 लाख, तो 75 लाख आपका और बढ़ गया। तो इस तरह से अगर बढ़ता है तो ये भी बड़े कष्ट की बात है। आप का मतलब कि आपके जो सूचकांक है गरीबी बढ़ रही है, जय। अब इसके पीछे सरकार की मंशा क्या रही, अगर ये डाटा सही है तो हरियाणा का 70% आबादी आज बीपीएल में, आश्रित। आज वो अनाज सरकार का 5 किलो अनाज और 1 किलो तेल और चीनी, 2 लीटर तेल में सब सारे 1 किलो चीनी हाँ चीनी वो 40 रुपए लीटर के हिसाब से के पैसे तेल, में देने पड़ते साथ में 40 रुपए लीटर के हिसाब से तेल और 13 रुपए 50 पैसे के हिसाब से चीनी। चीनी मिलती है, और 5 किलो में से कुछ बाजरा होता है कुछ आपको गेहूं का रेशो है। तो मतलब कि आप बड़े हैरानी की, आपके कहाँ गए वो दावे भी हमने हरियाणा को हम देश, देखो आप बात कर रहे हो कि भारत को विश्व गुरु बनाने की, और आपके आंकड़े कह रहे हैं कि आप 70% बीपीएल हो, तो आप बीपीएल गा रहे हैं, मतलब कि दोनों विरोधाभासी बातें हैं। देखो इससे ये लगता है कि सरकार ने बीपीएल को बढ़ाने के लिए वोटों के लिए बीपीएल बढ़ाया, या अगर फिर वाकई गरीब है तो फिर सरकार के दूसरे दावे झूठे, डंका काम बज रहा सर डंका कहाँ बज रहा है, विषम के अंदर। मतलब ये डंका तो फिर आपका बीपीएल में बज रहा है। मतलब कि आप के जहां बीपीएल
कम होने चाहिए। देखो बीपीएल का मतलब क्या होता है कि सरकार उनको इनिशियल मदद करती है और फिर धीरे 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 आंकड़े नीचे लाने चाहिए। और अगर आपके आंकड़े ही बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कि आप के दावे सारे खोखले हैं, जबकि सरकार के मंत्री जो फूड सप्लाई के हैं राजेश नागर जी, उन्होंने तो इतना कहा है कि या उनको भी समझ नहीं आई ये आंकड़े इतने कहाँ से आ गए। तो उन्होंने कहा है कि हम सरकार से, मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके कहीं आंकड़ों में गड़बड़ ना हो पता करेंगे, परंतु तो जिस चीज का इलेक्शन में फिर फायदा लेना था वो तो ले लिया ना आपने। आपने बीपीएल ज्यादा से ज्यादा बनाए, ज्यादा से ज्यादा अनाज लोगों को दिया, तो स्वाभाविक है वोट भी बढ़ेगा। सर अभी क्या, सर अभी हरियाणा को क्या 5 किलो अनाज को जिंदा रहना चाहिए या अपने रोजगार की बात करनी चाहिए सर, या किसी और प्रकार की बात भी करनी चाहिए सर? क्योंकि आज के दिन ये आंकड़े सर, आज चाहे हम 80 80 में ले ले सर, उसको मजाक में ले ले सर, लेकिन सर ये भविष्य के लिए डरावने वाले बातें हैं हरियाणा प्रदेश के लिए। ये दुखदायी बात है। हमारे देश में हम ये कहें कि भाई बीपीएल पे हमारे लोग जिंदा हैं, और 10 साल तो से एक सरकार, ये चाहे बीजेपी सरकार हो या इससे पहले कांग्रेस की सरकार हो, जो भी सरकारें रही हैं उनके लिए शर्म की बात कि हमारे यहाँ बीपीएल का आंकड़ा इतना बढ़ बढ़ रहा गया। है सर। मतलब कि कहाँ से शुरू हुआ था बीपीएल का आंकड़ा और कहाँ आ गया। अगर आप ये कहते हो कि आपने टेम्परेरीली बढ़ाया था तो वो भी गलत है ना, धोखा है ना। अच्छा धोखा है ना, और लोगों को आप इतना बीपीएल आप अनाज ही पे जीवित रखना चाह रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि हमारे बड़ी तरक्की हो रही है। देखो पिछले दिनों आंकड़ा आया था बेरोजगारी का, हरियाणा में पूरे इंडिया के अंदर बेरोजगारी की दर इंडिया में दूसरे नंबर या पहले नंबर में थी, और उसको देखते हैं और फिर इन आंकड़ों को देखते हैं तो उससे वो आंकड़े भी सही दिखाई देते हैं जिनको सरकार नकार रही थी भाई नहीं हमारे इतनी बेरोजगारी दर नहीं है। इसका मतलब कि इतना जब बीपीएल है तो वो है सच्चाई है। फिर वो भी तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी सरकार हो सर, उसके इसमें लिए बड़े शर्म की सर बात। इन आंकड़ों के ऊपर क्या हम कांग्रेस को दोषी मान सकते हैं सर, 10 साल के कार्यकाल की बात में देखो? आप 10 साल में आप अगर आपका आंकड़ा बढ़ गया तो फिर कांग्रेस दोषी कहां से मैं होगा? नहीं हूँ सर। ना ना, फिर तो आप दोषी हो भाई। अगर आंकड़ा आपने पहले अगर 50% था या 35% था, आज आप 70 पे आ गए, या तो वो 15 पे रह जाता ना या 25 पे रह जाता, तो ठीक है भाई आपने बहुत हाँ, कम बढ़िया। किया सर आंकड़ा। मतलब कि सरकार तो बड़ी छाती ठोक के कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों का जीवन स्तर उठाने में आपका इंटरेस्ट नहीं है ज्यादा। तो सर वो जो आज के दिन एक से महाराष्ट्र चुनाव के अंदर की बात को, सर एक नारा चला हुआ सर, हम एक एक इस तरह नारा सर एड एड देखी थी सर मैंने अखबार में सर, एक सर कटेंगे तो बटेंगे सर। सर लगता है कि सर सरकार तो ज्यादा इस चीज की तरफ ध्यान दे रही देखो है सर, सर, देखो कटेंगे बटेंगे सर। पार्टियों का जो एक विचारधारा बन रही है वो विकास की बात नहीं करते हैं। कांग्रेस भी बार बार जाती है जनगणना की बात चलाना बात करती करिए है, सर, और भाजपा हिंदुत्व की बटो बात करती है, बटोगे कटोगे। बटो की बात करती है सर। मतलब कि ये देश को आगे ले जाने वाली सोच नहीं है, ये देश को गर्त में ले जाने की सोच है। आप अपना रोड मैप दो, दोनों पार्टियां जो मेजर पार्टियां तो दोनों ही है ना, इंडिया गठबंधन और एनडीए के अंदर अगर कांग्रेस है या भाजपा है, इनको ये चाहिए कि आप विकास को अपना एजेंडा बढ़ाओ, युवा को आगे बढ़ाओ। परंतु अफसोस ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों ने लाइन ही दूसरी पकड़ रखी है। मोदी जी बात करेंगे कटेंगे कभी बटे वाली कटो बात बटेगी करते और कभी करेंगे इस तरह से इनडायरेक्ट जातीय बातें करेंगे, और राहुल गांधी भी जातीय जनगणना की बात करेंगे। मतलब कि आप इलेक्शन के अंदर देखो इनका सही रूप निकल के आता है नेताओं सर, वैसे समझे सर दान साहब लेकिन नहीं चलते सर, पुस्तक साहब नहीं चलते सर, का। और बाकी सब बात तो मैं सर आवाज लगा वो संविधान पे अगर ये देश ढंग से चला ले नेता, तो इन नेताओं की दुकान फेल हो जाएगी।
अजय जी, जो यूथ हमारा पढ़ा लिखा है आज, इनसे ज्यादा समझदार है हमारे अधिकांश नेताओं से। ये हमारे नेता चाहते ही नहीं कि वो पढ़े आगे बढ़े। लिखा आदमी आगे बढ़े। इस तरह की नीतियां लाई जाती हैं कि ताकि ये ढोंगी लोग ज्यादा आगे बढ़े और पढ़े लिखे पीछे रह जाएं, ताकि देश तरक्की कर गया, शिक्षा का स्तर सुधर गया और हेल्थ का सुधर गया, तो इनको कौन पूछेगा। आज देखो ना आप, क्या चीजें प्रचारित की जाती हैं मीडिया के थ्रू थ्रू, मछली की आंख में वो गिर गया तो उससे पैदा हो गया मैं। ये गलत काम हो गया, धर्म के बारे में बिल्कुल गलत प्रचारित किया जा रहा है। हमारा हिंदू धर्म ऐसा नहीं है, उसमें बहुत अच्छी खूबियां हैं, परंतु हमारे जो नेता हैं वो धर्म को दूसरी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। आप ये देखो, धर्म है जब सोमनाथ मंदिर के ऊपर वो चढ़ाई हुई ना, तो वहां जो बैठे थे कई लोग पुजारी, जो धर्म, वो भी उस टाइम भी बुराइयां थी, तो उन्होंने कहना शुरू किया भी भगवान कुछ नहीं होने देंगे, वो गेट तक आ गए, फिर वो पुजारी अंदर चले गए सारे, वो भगवान बोले अब निकलेंगे और हमारी रक्षा करेंगे। कहां से निकलेंगे, तुम कर्म अच्छे कर लो, अपने आप को मजबूत कर लो, उन्होंने अपना मंदिर को लूट के ले गए। अब भी कोई बात होगी कभी तो कह देंगे जी गणेश जी दूध पी रहे, पागलों की तरह शुरू हो जाएंगे हमारे देश में। और ये क्या होता है कि कई जो धर्म के ठेकेदार हैं या राजनीति के ठेकेदार हैं, वो धर्म और राजनीति को मिला के मिला और लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं। और ये भावना खेलने वाली नहीं सर, जो आंकड़े आज अखबार उनका छपा रहे सर। आप देखो ना, सरकारी इन आंकड़ों को अगर देखते हैं तो ये तो बड़े खतरनाक आंकड़े यानी हैं। सरकार की पैर और नीचे धरती किस काले वाले आंकड़े सर ये। हाँ बिल्कुल, अगर आप देखो ना, 70% आपने बीपीएल बना के, या तो आपने नकली बीपीएल बनाए हैं आप वोट पाने के चक्कर में ताकि वोट ज्यादा से ज्यादा मिले, या फिर अगर इतने हैं तो तो भविष्य भी क्या दुख, सर, तब भी दुख की बात है। फिर भविष्य क्या सर, भविष्य क्या हमारा, फिर भविष्य अनंतकाल में सर हमारे आने का बच्चों का क्या भविष्य है क्या फिर। भविष्य है सर। ये लगता है कि मंथन वाली बात है, और जिसको भी संस्करण पढ़ना हो तो दंड ट्रिब्यून का अगला या वो अंग्रेजी का या हिंदी का संस्करण कोई पढ़ दे, हाँ 2011 का, यानी कि 11 तारीख के ग्यारह तारीख उसमें। के उसमें आया हुआ है, तो उनके आधार पे हमने न्यूज बनाने का काम किया। लेकिन ये है कि चीफ ब्यूरो है से, तो इनसे सुलझी बात मुझे कौन बता मतलब सकते थे। 11 या 12 के संस्करण में फ्रंट पेज पे है, इंग्लिश और हिंदी हिंदी में ट्रिब्यून के सर अंदर दोनों में आया है, दोनों में आया है, तो और इसमें जी पूरी डिटेल दी है उन्होंने, जो हमारे जो संवाददाता हैं उन्होंने पूरी डिटेल दी है। ये आपके यहाँ 11 तारीख के संस्करण में छपा है, कहते तो जी पढ़ने का काम करें, और वास्तवता मतलब बात है 11 को उस पत्रकार ने भेजा है और 12 को जो कल अखबार आया था उसमें ये छपा हुआ है। छपा। तो जी ये मुद्दा है जो देखने वाला है और देखने लायक है, और वीडियो भी प्लीज शेयर जरूर करना। तो जेएनसी न्यूज से अजय नायक, दीपांशु शर्मा गया खास रिपोर्ट।